तो यहाँ पर हम लोग डबल इंटीग्रेशन देख रहे थे, और इसके पहले वीडियो में हम लोग ने देख चुके कि इस तरह के सम किस तरह से सॉल्व करने, डायरेक्ट बोला रहेगा आपको सॉल्व करो डबल इंटीग्रेशन, ओके इवैल्यूएट करो। तो यहाँ पर अभी है हमारे पास ये वाला सम है, तो इसको सॉल्व करना है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, पिछले समय हम लोग ने क्या किए थे कि अंदर वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व किए थे, ओके अंदर वाले को भी इसमें भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ हम लोग एडजस्टमेंट कर देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में कि ए रेस टू एम प्लस एन क्या होता है, a रेस टू m, ये होता है आपने पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड में, तो वही हम लोग अप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करने का इसको देखते हैं, ओके। तो नया सम बना देता हूं मैं, 0 से 1, 0 से x, e रेस टू y, into dy, dx, ओके। अभी अंदर वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये वाले पार्ट को, ओके। तो यहाँ पर मैंने बोला कि y से इंटीग्रेशन करना है, तो x को कॉन्स्टेंट समझेंगे, तो ये x कॉन्स्टेंट है, e भी कॉन्स्टेंट है, e का वैल्यू 2.7 होता है, तो ए कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि वाई से इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसके लिए, ओके। तो ये कांस्टेंट टर्म को ऐसे ही लिखते हैं, उसको हाथ नहीं लगाते, ऐसे ही लिख देंगे। और ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू वाई होता है, क्योंकि ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा ई रेस टू एक्स ही होता है, चेंज नहीं होता है, ओके। तो इसी तरह से ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन मुझे करना है डी वाई से, तो ई रेस टू वाई आएगा, ओके। और इसमें क्या पुट करेंगे हम लोग, जीरो से एक्स, जीरो से एक्स पुट करेंगे। अब बाहर का लिमिट को ऐसे लिख दो, जीरो से वन था तो जीरो से वन लिख दिए, बाहर क्या था यहाँ पे dx, तो dx ऐसे लिख दिए, ओके इतना हो गया। अभी ये x पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे कहां पर, y के जगह पे, क्यों, क्योंकि y से इंटीग्रेशन किए थे इसके लिए, ओके। अगर x से इंटीग्रेशन किए रहते तो x के जगह पे ये पुट करते लिमिट, ओके। तो जीरो से वन ई रेस टू एक्स, यहाँ पे अभी y के जगह पे क्या आएगा, एक बार x आएगा, एक बार जीरो आएगा, तो एक बार x पुट किए y के जगह पे, और एक बार अभी जीरो पुट करते हैं हम लोग y के जगह पे। यहाँ पे ब्रैकेट दे देना, आप ब्रैकेट भूलना नहीं, e रेस टू x को ऐसे ही लिखा, एक बार यहाँ पे x पुट किया, एक बार यहाँ पे जीरो पुट किया माइनस करके, और dx को मैं ऐसे लिख दूंगा, ओके इतना हो गया। अभी ये पार्ट आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर, तो देख लेते हैं इसको भी। और यहाँ पर क्या दिया, जीरो से वन, और यहाँ पे e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू जीरो क्या होता है, वन होता है, ओके। एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन, कुछ भी रेस टू जीरो होता है तो वन होता है, ओके। अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, जीरो से वन, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाते हैं, तो टू एक्स हो जाएगा, e रेस टू टू एक्स हो जाएगा, और ये यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो e रेस टू एक्स हो जाएगा। और बाहर क्या हो गया, डी एक्स है, ब्रैकेट दे दो। अभी डायरेक्टली इसको x से इंटीग्रेशन करना है, तो डायरेक्ट हम लोग x से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो e रेस टू टू एक्स है, तो e रेस टू टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेस टू टू एक्स ही होगा, माइनस यहाँ पे e रेस टू एक्स है, e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स ही होगा। लेकिन मैंने कभी भी बोला है आपको कि इंटीग्रेशन अगर करोगे, जैसे मैं बताऊँ आपको कि अगर e रेस टू एक्स है तो e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स ही होता है, e रेस टू टू एक्स है, e रेस टू टू एक्स ही होगा, बट x के साथ जो भी होता है उसको डिवाइड करना पड़ता है हमेशा, आप इंटीग्रेशन में याद रखो। जैसे कि मैं बोलूँ, अगर आपको आपको अगर बोलूँ मैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, आप बोलोगे sin x, ओके ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बोलूं मैं तो आप बोलोगे sin 2x, बट यहाँ पे 2 डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x के साथ 2 है, तो यहाँ पर भी x के साथ 2 है तो 2 डिवाइड करना पड़ेगा, ओके इंटीग्रेशन में ऐसा होता है। और यहाँ पे लिमिट क्या पुट करना है, एक बार 1, एक बार 0, 0 से 1, तो एक बार x के जगह पे 1 रखो, एक बार x के जगह पे 0 रखो, तो रखते हैं हम लोग एक बार 1, e रेस टू 2, 1 डिवाइड बाय 2, e रेस टू 1 कर दिए, माइनस ब्रैकेट दे दो, ब्रैकेट अभी जीरो पुट करते हैं, एक बार वन पुट किए ब्रैकेट, एक बार अभी जीरो पुट करते हैं ब्रैकेट, ई रेस टू टू जीरो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू माइनस ई रेस टू जीरो, इतना कर दिए, ओके। एक बार वन पुट किए, एक बार जीरो पुट किए, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ई रेस टू टू बचा है यहाँ पे डिवाइड बाय टू माइनस ई रेस टू वन, माइनस यह माइनस अंदर जाएगा, और ई रेस टू जीरो हो जाएगा यहाँ पे ऊपर पावर, टू इंटू जीरो इज जीरो, ई रेस टू जीरो डिवाइड बाय टू माइनस ई रेस टू जीरो क्या होता है, वन होता है, एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन, मतलब कुछ भी पावर में जीरो रहता है, किसी के भी पावर में जीरो रहता है तो वन आता है उसके जगह पे, ओके। और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इतना हो गया। अभी यहाँ पर भी ई रेस टू जीरो है तो इसको भी अच्छे से लिख देते हैं हम लोग, ई रेस टू टू डिवाइड माइनस ई रेस टू टू डिवाइड बाय टू माइनस ई माइनस वन बाय टू प्लस वन, क्यों यहाँ पे वन बाय टू हुआ, क्योंकि ई रेस टू जीरो है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ई रेस टू जीरो है तो ई रेस टू जीरो क्या होता है, वन, वन बाय टू प्लस वन, इतना आ गया। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कर देते हैं ई स्क्वायर बाय टू माइनस ई, और वन माइनस वन बाय टू क्या होता है, वन माइनस वन बाय टू क्या होता है, प्लस वन बाय टू होता है,
ओके सॉल्व कर लेना आप, क्योंकि एक में से एक बाय एक बटे दो जाएगा तो कितना आएगा, 2 - 1/2 = 1/2, ओके तो 1/2, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर एरिया यूनिट स्क्वायर में। ओके तो इस तरह से आपको इंटीग्रेशन करना है, डबल इंटीग्रेशन करना है एरिया फाइंड करने के लिए। ओके काफी इजी है, सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्या कैसे करना है। ओके तो आप प्रैक्टिस करिए, बुक में बहुत सारे एग्जांपल होंगे आपके, तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या तो मुझे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।